हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर हब। आज मैं आपको बताऊंगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, तो इसमें जो रिक्रूटमेंट है इसके बारे में। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट यूटी से बिलोंग करता है। फॉर्म जो लगेंगे वो 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, इसके दरमियान लगेंगे। 14 मई जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यहाँ पर पोस्ट हैं साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड, अपर डिवीज़न क्लर्क, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, वर्क असिस्टेंट एंड कंटीन अटेंडेंट। उसके अलावा स्टिपेंडरी ट्रेनी की भी पोस्ट है, जो 239 है टोटल, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हैं वो है 98 टोटल। उसके बाद इनकी क्वालिफिकेशन आती है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा गया है साइंटिफिक ऑफिसर, फिर उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी आपको मिलेगी, किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, फिर पोस्ट कोड क्या है, फिर डिसिप्लिन किस डिसिप्लिन में है, जैसे ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग में है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मिलेगी, फिर एक्सपीरियंस वगैरह, फिर उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क, एज लिमिट, तो इसमें मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है। तो फिर उसके बाद सैलरी, उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन या मोड ऑफ सिलेक्शन, तो कैसे रहेगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कितने स्टेज में होगा, तो वो कंप्लीट डिटेल। तो इस तरीके से आप ये सारी डिटेल देख सकते हो हर एक पोस्ट के रिलेटेड, ठीक है, किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, सारी डिटेल। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। आप देख सकते हो कितना बहुत लेंथी जो है वो नोटिफिकेशन है इसका। तो सिक्योरिटी गार्ड जो है इसमें 10th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप देखना, कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर ये आपको सारी डिटेल इसकी मिलेगी कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इसके रिलेटेड। तो जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग है, इनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 2 साल, फिर उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड सब यहाँ पर मेंशन है इसमें, बाकी एज रिलैक्सेशन भी है जो सेंटर में होता है, तो वो आप देख सकते हो इसमें। एप्लीकेशन फ़ी कितनी कितनी है तो वो देख सकते हो आप, किसी पोस्ट के लिए 100 है, किसी में 300 है। तो साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इनके लिए टेक्नीशियन जो है उसके लिए 100 है, साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए 300 है, टेक्नीशियन के लिए 100, स्टेनोग्राफर के लिए 100, अपर डिवीज़न क्लर्क 100, बाकी सब के लिए 100 है, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग ग्रेड 1 के लिए 200 है। तो इस तरीके से सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन से इनको देख लेते हैं। आपको अपनी ईमेल आईडी सही से डालनी है, ताकि जो है वो जब आपको मैसेज करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हो, बहुत सारी स्टेट में है एग्ज़ाम सेंटर। तो ग्रुप सी के लिए ये सेंटर है अलग से, ये जो 4 दिए गए हैं, तो बाकी जो है बाकी पोस्ट के लिए जो ऊपर वाले 26 दिए गए हैं। तो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से जो है मेंशन करना। उसके बाद फ़ोटोग्राफ का साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर का 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हेल्प डेस्क जो है नंबर दिए गए हैं,
यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो इनको। तो अगर आप अप्लाई करते हो साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर से साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, ठीक है, ये जो ग्रेड दिए गए इनमें, तो इनके लिए क्या है कि आपको हार्ड कॉपी ये हुआ है वो सेंड करनी है इनको, और उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके ये जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर जो है स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेज देना है 20 मई से पहले पहले, ठीक है, सिर्फ इन पोस्ट के लिए जो 3 मेंशन है, बाकी नहीं। बाकी पोस्ट के लिए वो बाद में जब वेरिफिकेशन होगी तब होगा। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन, कुछ भी समझ ना आया तो हमें कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो भी एग्ज़ाम अपडेट, जॉब अपडेट हो तो वो आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिक्रूटमेंट के साथ।